कलेक्टर के निर्देश के बाद भी जर्जर मकान को आधा अधूरा गिराकर चला आया नगरपालिका अमला। खबर श्योपुर से है, जहां कलेक्टर जांगिड़ के सख्त निर्देश के बाद भी नगरपालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। पूरा मामला ये है कि मंगलवार को कलेक्टर लोकेश जांगिड़ की जनसुनवाई में वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद अकबर अली ने वार्ड वासियों के साथ पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन दिया था कि बोहरा बाजार स्थित घनी आबादी क्षेत्र में एक जर्जर भवन को तोड़ा जाए, क्योंकि वह भवन बहुत पुराना है और कभी भी गिर सकता है, किसी दिन वहां बड़ा हादसा होने की संभावना है। इस शिकायत पर कलेक्टर ने नगरपालिका के अधिकारी पवन शर्मा को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आज अभी के अभी जेसीबी से इस भवन को जमींदोज किया जाए। इसके बाद नगरपालिका प्रशासन का अमला मकान तोड़ने पहुंचा, मगर आधी कार्रवाई करके लौट आया और मोहल्ले वासियों पर खतरा अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि इस जर्जर भवन की शिकायत मोहल्ले वासी वर्ष 2019 से लगातार कर रहे हैं, मगर अब आज कलेक्टर ने इसकी शिकायत को गंभीरता से लिया और नगरपालिका ने उसमें भी लापरवाही बरत दी। यही नहीं, नगरपालिका प्रशासन में कलेक्टर के निर्देश की अवहेलना करते हुए बोहरा बाजार में जर्जर भवन को आधा ही तोड़ा है, जबकि मुख्य मार्केट वाले इस क्षेत्र में इस मकान को पूरा गिराया जाना चाहिए था, जबकि यहां पर बुलडोजर आधा अधूरा ही चलाया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सागर जिले में दीवार गिरने से दबकर 9 बच्चों की मौत हो चुकी थी, जिस पर सीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला अधिकारियों को हटा दिया था और सख्त आदेश प्रदेश भर में दिए थे कि ऐसे सभी जर्जर भवनों को ध्वस्त किया जाए। उसी क्रम में श्योपुर कलेक्टर भी एक्शन में आ गए हैं, मगर कल की कार्यवाही पर अब वहां के स्थानीय लोग आधे अधूरे मकान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं कि ये आधा भवन क्या किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में छोड़ दिया गया है या कोई बड़ा हादसा होने के बाद जागेगा प्रशासन। अब देखना ये होगा किस खबर पर कलेक्टर क्या एक्शन लेंगे। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।